उदाहरण तो आप सभी बच्चों का हमारे एसबी एकेडमी रावला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज फिर हम अपना एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं 6th क्लास के लिए 6.1 एक्सरसाइज के। हमने 5 तक मैंने आपको प्रश्न बोला था, ठीक है। आज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। हमें पहले तो संख्या रेखा बनानी है और दाईं ओर स्थित संख्या देखनी है कौन कौन सी है युग्म में से जो हमें युग्म दे रखी है। पहले ही हमें युग्म दे रखा है 2 और 9, इन दोनों में देखते हैं संख्या रेखा में। बच्चों संख्या रेखा बनाते हैं पहले, तो आपको ये पता होगा कि बीच में हमारे पास 0 आएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। इस सेट में -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा। इसके बाद -4 आएगा, इसके बाद -5 आएगा, इसके बाद -6 आएगा और इसके बाद
ये वाला जो मैंने कर्म लिखा है ना बच्चों, ये वाला मैंने बढ़ता हुआ कर्म लिखा है। कौन सा कर्म लिखा है मैंने? बढ़ता हुआ कर्म। ठीक है बच्चों, आपको समझ में लग गया होगा किस प्रकार से लिखना है, इसको लिखिए और इसका सी पार्ट और डी पार्ट खुद करोगे। ठीक है, सी पार्ट और डी पार्ट। -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। ये तो क्या है हमारा,
माइनस एक है, तो ये सही है गलत है? क्या है ये? गलत है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ये नहीं है बच्चों, क्या नहीं है? ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद में माइनस छब्बीस पूर्णांक माइनस पच्चीस से बड़ा है, तो माइनस छब्बीस जो है वो माइनस पच्चीस से बड़ा नहीं है। तो इसका लास्ट पार्ट है ना बच्चों, डी पार्ट। अब आपको ये बताया कि यहां माइनस का पच्चीस है, इसके इस ओर माइनस का छब्बीस आएगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस ओर जितनी संख्या आएगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस ओर जाओगे तो संख्या बढ़ेगी और इस ओर आओगे तो संख्या घटेगी, ठीक है। तो माइनस छब्बीस जो है, यानी माइनस छब्बीस जो है वो माइनस पच्चीस से छोटा है, यानी ऐसे लिखेंगे माइनस छब्बीस जो है वो माइनस पच्चीस से छोटा है। इस साइन का मतलब क्या हुआ? जिसके मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों, और प्रश्न नंबर जो 10 है वो आप खुद करोगे, ठीक है, इसको आप लिखिए। प्रश्न नंबर जो 10 है बच्चों, आपको इसमें सेम संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संख्या रेखा आपको पता है कैसे बनानी है, ठीक है, और जितने भी डी तक प्रश्न है आपको बच्चों संख्या रेखा पर देख कर करने हैं। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों हमारी 6.2 एक्सरसाइज, उसके बाद में 6.3 एक्सरसाइज, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है। आपका यहाँ तक 6.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट होना चाहिए।